की बच्चियां की दादा जो है ना मजनू से भी ज्यादा है। और नंबर तीन आइटम बम बच्चियां बच्चों के बारे में उबेद भाई ने क्या भूल कहा है, सफेद वरा पहने जब लाल लिपस्टिक लगाती हो, सफेद वरा पहने जब लाल लिपस्टिक लगाती हो मां का सब एम्बुलेंस नजर आता है। खतरनाक हद तक नागवार गुजरती है, मिसाल के तौर पर मसूद साहब मशवरे की सख्त खिलाफ है। मसूद साहब को मशवरा देने वाले स्टूडेंट से इतनी चिढ़ है जितनी अमेरिका को अलकायदा से। डॉक्टर अजहर इजाज साहब को नकाब न पहनने वाले तलबात से इतनी चिढ़ है जितनी नवाज शरीफ को जरदारी से। और डॉक्टर अजीज साहब को मशहूर मुस्कुराहट वाले मशहूर मुस्कुराहट वाले तलबात से इतनी चुभ है जितना मीरा को अतीकुर रहमान से। अब वापिस आते हैं अपने असली हदफ यानी जीएमसी के बच्चों की तरफ। जनाब हमारी जो सीनियर लड़कियां हैं वो इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है बनने से पहले की है और इनमें से अक्सर नहीं चेंज हुआ है एज अ पार्टी मेंबर। हमारी जो सीनियर लड़कियां है वो इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है जितना पुराना हमारा रेलवे का निजाम। तमाम पाकिस्तान बनने से पहले की है और इनमें से अक्सर ने तो जंग आजादी भी लड़ी है लेकिन फिर भी ये गालिब लड़कियां इन मासूम और शरीफ बच्चों को ऐसे घूर घूर कर देती हैं। जैसे न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा था। मुरलीधरन बाले कटे हुए बैट्समैन को देखा था और जैसे दबंग में सलमान खान चेरी सिंह को देखा। इन हालात में ऐसी लड़कियों से बात करना और अच्छे रवैये की तवक्कु रखना उतना ही मुश्किल है जितना मुल्ला उमर का निकाह हिलरी क्लिंटन से कराना है। कुछ अर्सा पहले मौसूफ को केएमसी जाने का इत्तेफाक हुआ, माँ कसम बाहर ही बाहर हर लड़की चलती फिरती को केएमसी को के। वापिस आया तो कसरती नस्वा होने के बावजूद लड़कों के मुरझाए हुए चेहरे देखकर बहुत मायूसी हुई लेकिन जल्द ही नजर जूनियर लड़कियों पर पड़ी। नशीली आंखें, रसीले आदि चाल ये देखकर मायूसी थोड़ी बहुत कम हुई और दिल में फौरन शायरी मस्जिद का शेर याद आया कि जरा नम हो तो ये धरती बड़ी सफेद। आखिरकार मौसूफ की शादी जीएमसी के लिए एक आइटम बम से हुई। नाम उसका शाजा था, रंग की वो काली थी लेकिन फिर भी दिल को प्यारी थी। ये वो बीवी थी जिसके साथ हर साइज के बच्चे थे, ये वो बीवी थी जिससे वेस्ट इंडीज वाले भी वीजा नहीं लेते थे। फिर एक दिन शाजा का टकराव सुहेल बड़ाई से हुआ।
سوال و جواب کی شوقین فوراً سوال کر بیٹھے. آپ تو وہ پہلی خاتون ہیں جن کا منہ ان کے بالوں سے زیادہ کالا ہوتا ہے, پھر بھی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ انسان ہیں, کیا یہ پورا تضاد نہیں؟ شادی سے پہلے میں 80 کلو کا تھا لیکن اب میں 800 گرام رہ گیا ہوں. شادی سے پہلے جب باہر نکلتا تو لوگ کہتے ہیں یہ مرد ہے, لیکن اب جب باہر نکلتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ مرد ہے. آج میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کروں گا. مکھن خراب نہیں ہوتا, مکھیا خراب کرتی ہے. مکھن خراب نہیں ہوتا,